10 साल तक भारत सरकार में लगभग मंत्री रहे, 15 साल तक इस प्रदेश में आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री रहे, एक दूर जमीन इस प्रदेश में खरीदने का काम नहीं किया, जिसने पूरी ईमानदारी राजनीतिक शुचिता के साथ दूरदर्शिता के साथ इस प्रदेश की सेवा करने का काम किया है और अपने नौजवान किसानों को, नौजवान साथियों को, इस प्रदेश की बड़ी आबादी जो महिलाओं की है उसको सशक्त और मजबूत करने का काम किया। लोग बोलते बड़ी बड़ी बात है, कहते हैं हम दलित और पीड़ित और शोषितों की पॉलिटिकल पार्टी थे और उसी के नाम पर 15 साल तक राज किए इस प्रदेश में। उनके समय में पंचायती राज व्यवस्था में दलितों को भी आरक्षण प्राप्त नहीं था। इसके साथ सामाजिक समरसता के साथ, भाईचारा के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। 2015 में जब नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में घूम रहे थे, कहते थे हम हर घर बिजली देने का काम करेंगे, विपक्ष के लोग कहते थे यह असंभव है, नीतीश कुमार संभव नहीं कर सकते हैं, हर घर बिजली नहीं दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने हर संभव का। हमारा अनुरोध है आप लोगों से कि नीतीश कुमार के कर कमलों में हमारा बिहार सुरक्षित है। अगर कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो नतीजा वैसा ही होगा जिस तरह से एक ट्रेन की बात होती है, एक रेलगाड़ी की बात होती है। अगर रेलगाड़ी के स्टीयरिंग पर अगर नौसिखुआ बैठ गया तो गाड़ी आगे जाकर तो उलट जाती है, पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। उसी प्रकार से बिहार की गाड़ी, जो विकास की गाड़ी बहुत द्रुत गति से चल रही है, चुनाव के चलते अभी रुकी है, अगर ड्राइवर बदला जाएगा तो निश्चित रूप में एक्सीडेंट होना है। तो उस एक्सीडेंट से आप बचिए, नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बनाइए और बिहार की जो विकास की गाड़ी है इसको दिल्ली तक पहुंचाइए। यही अनुरोध करने के लिए आपके पास आए हैं। और भाइयों बहनों, हम कहना चाहते हैं कि कहा गया है कि मुखिया मुख से चाहिए खान पान में एक, पालत पोषण सकल में तुलसी सहित विवेक। आज नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं तो सिर्फ एक के लिए नहीं कर रहे हैं, सबों के लिए कर रहे हैं, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स हो, सब के लिए उन्होंने एक काम वो कर रहे हैं और अच्छा से कर रहे हैं। इसी के लिए हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के हाथों में हमारा बिहार सुरक्षित है। और विकास आज कैसे हो रहा है, इसका खास कारण है यहाँ कानून व्यवस्था एकदम ठीक है। कानून व्यवस्था की स्थिति आप लोग जानते हैं 2015 के 5 के पहले, कि यहाँ पर चाहे तो गाड़ी हो, कार हो, उसके शीशा डाउन करके उसके बगल से बंदूक और राइफल का नोक निकाल के लोग चलते थे और जाते थे। ए वीडियो, ए दरोगा, ए ठेकेदार, एक जो खड्डूक लोग हैं, हमारे व्यापारी लोग हैं, उनसे पैसा वसूला जाता था और पैसा वसूल करके अपना ऐश मौज करते थे। आज किसी का हिम्मत है कि कोई गाड़ी में शीशा निकाल बैठा करके और बंदूक की नाली निकाल के चलने का हिम्मत कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। यही आज हमारा सुशासन है और यही लॉ एंड ऑर्डर है, मैं कहना चाहता हूँ। और जब शांति रहती है तो विकास होता है, चैन के साथ हम लोग सोते हैं, पढ़ाई होती है, हर तरह का काम होता है। तो इसलिए नीतीश कुमार आज आवश्यकता है इस राज्य की। और जब नीतीश कुमार आवश्यकता इस राज्य का है और राज्य जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप में कहा ही गया है, चाहे जितने बड़े बड़े लोग भी कहें, बिहार बढ़ता है तो देश बढ़ता है। तो इसलिए एक आपका काम जो है 3 तारीख को भाई हमारे श्याम बहादुर सिंह के जो तीर छाप है उसके बगल में अगर आप बटन दबाते हैं तो एक काम से 3 काम होता है। एक काम तो भाई हमारे श्याम बहादुर सिंह जीत के जाएंगे, दूसरे तरफ नीतीश कुमार मजबूत होंगे और तीसरे तरफ नीतीश कुमार मजबूत होंगे तो नरेंद्र भाई मोदी जी भी मजबूत होंगे। आज भारत को सशक्त होने की बड़ी आवश्यकता है। एक तरफ चीन है, दूसरे तरफ पाकिस्तान है, सबकी वक्र दृष्टि हम पर लगी हुई है और अगर किसी तरह की कमजोरी होती है तो फिर हमारा जो हमारी आज़ादी है वो खतरे में है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर मन में छोटी सी बात कहीं भी है, कहीं कोई डिफरेंसेस भी है, तो हम लोग मगह में कहा करते हैं कि लोटा की लड़ाई में बटलोही को गायब नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों का जुमला है। तो यहाँ भी कहना चाहते हैं अगर किसी तरह से कोई मनमुटाव हो तो उसको मिटा करके लार्जर इंटरेस्ट में, राज्य के हित में, देश के हित में आज जरूरत है NDA को हम लोग जिताएं। और NDA का जब नाम आता है तो ये नहीं समझें
ये सिर्फ तीर साफ है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बड़े की भूमिका में आज भाजपा के लोग हैं जिनका छाप कमल है, फिर तीर है माननीय नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का चिन्ह कड़ाही है, और फिर वीआईपी जो हमारे सहनी जी हैं उनका है नाव। ये चारों चिन्ह का मतलब है एनडीए। और जब हम लोग अति पिछड़ा और बाकी लोग जब साथ हैं तो फिर किसी तरह की बात ही नहीं है कि हमारा चुनाव जो है वो किसी दूसरे दिशा में जाना है। इसलिए अनुभवहीन नेता के समक्ष एक महान अनुभव के धनी और कुशाग्र बुद्धि वाले एक इंजीनियर हमारे सामने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनका एज फैक्टर है, एज क्या है, एज उनका 69-70 वर्ष चल रहा है, ये बहुत बड़ा ये जानना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो आपसे अपील किया उसके आधार पर क्या श्याम बहादुर बाबू को तीर छाप पर बटन दबाएंगे आप लोग 3 तारीख को? अगर दबाएंगे तो हाथ बोलिए, तो पीछे से नहीं उठ रहा है ना, पीछे से नहीं उठा, हाँ तो बहुत अच्छा, बहुत शुभकामना। तो क्या इनको विजय का माला हम लोग पहना दें? पहना दें, चलिए बहुत बहुत शुभकामना, और आपके भरोसे इनको माला हम लोग पहनते हैं। इस माला की लाज आप लोग रखेंगे, ये आशा। और मित्रों अब आप लोग हमारे धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और शाम कर